नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। जिस देश में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, उसी देश में अब विद्यार्थियों को भारत देश का इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर रामायण और महाभारत भी शामिल है। आखिर क्या है सऊदी में इस बड़े परिवर्तन की वजह, जानिए हमारी इस रिपोर्ट से। सऊदी अरब के इस्लामिक धर्म ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच अब खुद को उसमें ढालना शुरू कर दिया है। मुस्लिम देश ने शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नया विजन 2030 ऐप लॉन्च किया है, जिसमें विद्यार्थियों को सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों के अनुसार दूसरे देशों के इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें रामायण महाभारत जैसे पाठ को शामिल किया गया है। बताया जाता है कि इस्लामिक धर्म के लोगों को समझना है कि ये विजन 2030 ऐप विकास के एक नए चरण के लिए हमारी आकांक्षाओं को मार्गदर्शन करता है, साथ ही ये हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों और अपेक्षाओं को व्यक्त करता है और इस हमारे देश की अद्वितीय शक्तियों और क्षमताओं पर बनाया गया है। साथ ही एक जीवंत समाज बनाने के लिए, जिसमें सभी नागरिक संपन्न अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए अपने सपनों, आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। सऊदी के विजन 2030 के मुताबिक अंग्रेजी भाषा को भी जरूरी भाषा के तौर पर शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये संचार का अच्छा माध्यम माना गया है। बताया जाता है कि सऊदी की शिक्षा बोर्ड के परिचय में कहा गया है, सऊदी अरब शिक्षित और कुशल कार्यबल का निर्माण करके वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा में शामिल होगा। अलग अलग देशों और लोगों के बीच सांस्कृतिक संवादों का आदान प्रदान वैश्विक शांति और मानव कल्याण में सहायक है, इसीलिए विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अंग्रेजी को सीखना आवश्यक है। बता दें कि सऊदी के विजन 2030 का मुख्य उद्देश्य वहाँ की अर्थव्यवस्था को बदलने का है और इसकी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है और तेल से मिलने वाले राजस्व की निर्भरता में कमी लाने के लिए भी वो शैक्षिक व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। इसीलिए अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए सऊदी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज ने 2030 के सऊदी विजन को आगे बढ़ाने का काम किया था। इस बीच मापवाई अल सऊदी के विजन नऊफ नाम की ट्विटर यूजर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा, सऊदी अरब का नया विजन 2030 और पाठ्यक्रम सबको साथ लेकर चलने वाला उदारवादी और सहिष्णु भविष्य बनाने में मदद करेगा। सामाजिक अध्ययन की पुस्तक में आज मेरे बेटे की स्कूल परीक्षा के स्क्रीनशॉट में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, रामायण, कर्म, महाभारत और धर्म की अवधारणाएं और इतिहास शामिल है। मुझे उसकी पढ़ाई में मदद करने में मजा आया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा घोषित विजन 2030 इन्हीं परिवर्तनों में से एक है। प्रिंस का मानना है कि इससे देश में बड़े आर्थिक बदलाव होंगे। पाठ्यक्रम के मुताबिक 1932 में सऊदी के निर्माण के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सऊदी सरकार एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना चाहता है जिसमें सरकार और विभिन्न व्यवसायों के बीच आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इसके अलावा विजन 2030 के जरिए सऊदी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से निवेश के लिए उचित माहौल बना सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।